तुम ठीक तो हो? तारा, मैं जानता हूं कि तुम किडनैपिंग की वजह से तुम्हारे दिल में डर बैठा हुआ है, लेकिन बेटा तुम्हें यहां डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तुम बिल्कुल सेफ हो। और रही बात उस मायंक की, मेरे होते हुए तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हुआ तारा, कुछ कहना चाहती हो? नहीं मामा जी, ये बात नहीं है, मैं किसी और बात से परेशान हूँ। मैं आपसे इस बारे में बात भी करना चाहती थी। तारा बेटा, चलो पूजा कर ले। हाँ चलो, पहले पूजा करते हैं। चेताली चलो पूजा करते हैं। क्या सोच रही हो, पूजा नहीं करनी? चलो आ। ये आप क्या कर रहे हैं डैड? वही कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। हम अपने सवालों का जवाब उस रोहिणी नक्षत्र वाली लड़की के पास ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारे सवालों का जवाब हमारे पास ही था। कैसे जवाब? अल्लाह, अरे क्या कर रहे हैं आप? ये असुर के नाती को पता चला तो यही लैंड कर जाएगा वो। ढाकी ढाकी जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हमको समझ में आया कि काला कपड़ा आप खिड़की पे काहे लगाए हैं, ताकि वो राक्षस को सिग्नल ना मिले, है ना? और उसको पता चलेगा नहीं कि एक कील यहाँ पे है। और हमारा थोड़ा कभी कभी बत्ती लेट जल जाता है। अब हमारे सवालों का जवाब ये कील ही हमें देंगे। एक एकाएं से उसकी शक्ति छीनने के लिए उसकी चोटी छीन लेना, लेकिन इसके लिए बहुत सारी शक्ति की जरूरत पड़ती है, और तुम्हारे पास वो सारी शक्तियां हैं, क्योंकि तुम एक दैविक हो। लेकिन डायन अपनी चोटी किसी को भी नहीं देती, और एकाएं तो बिल्कुल भी नहीं, तो फिर आप अपनी चोटी मुझे कैसे लेने देंगे? हाँ पिया, ये सच है कि एकायन अपनी चोटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती, इसीलिए तो ये विधि कराने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, ताकि तुम्हें मेरी चोटी छीनने में मदद मिल सके। आज फागुन पूर्णिमा की रात है, मतलब होलिका दहन की रात, पूनम के चांद की चांदनी, जब डायन वृक्ष के पत्तों से छन कर इस डायन चक्र पर पड़ेगी, तो इसमें कोई भी खड़ी शक्ति बंध जाएगी। मतलब अगर मैं इस डायन चक्र में खड़ी हूं तो मैं बेबस हो जाऊंगी, और यही मौका होगा तुम्हारे पास पिया मेरी चोटी छीनने का। तुम ये कर लोगी ना पिया? हाँ। अरे तारा, वहां क्यों खड़ी हो आप?
का तुमने अभी तक बताया नहीं अपने परिवार वालों को कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। मुझे मजबूर मत करो, शादी तो तुम्हारी मेरे साथ ही होगी, शादी तुम्हारी मर्जी से या मजबूरी से। तारा क्या हुआ? बेटा ऐसे बीच में रुकते नहीं है, चलो परिक्रमा पूरी करो, चलो 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 चलो। मैंने राक्षस कील को इस सांची ज्योति के सामने रख दिया है। अब जैसे ही इसकी लौ जलेगी, तरल कागज पर हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए तो सवाल ना पूछना पड़ेगा। हाँ, हमें सवाल पूछकर ही ये ज्योति जगानी होगी। हे सांची ज्योति, बताओ कि वो राक्षस इस कील का दूसरा हिस्सा उस रोहिणी नक्षत्र वाली लड़की से कैसे लेने वाला है? लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब्र रखो, चक्र में आग लग गई। मतलब ये चक्र अब मुझे बांधने के लिए तैयार है। पिया, तुम तैयार हो ना? छोटी बिया चीनो, चीनो छोटी, चीनो बिया चीनो। तरल कागज पे जवाब में आग दिखाई दे रही है, इसका क्या मतलब हुआ? अरे कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो राक्षस उस लड़की को आग में जला के मारने वाला है? What? Shut up, Naman. तरल कागज कुछ और दिखाना चाह रहा है। ये देखो, अरे ये तो 5-6 साल की बच्ची है। अरे क्या ढूंढ रही है? क्या हुआ साबी? ये देखिए डॉ, जब मॉम उस रोहिणी नक्षत्र वाली लड़की को मिली थी, तब वो लड़की भी 4-5 साल की थी। तो क्या ये वही लड़की तो नहीं है? कौन कौन? तारा?
तुम्हें उसका नाम कैसे पता? जासूसी दिमाग है हमारा, पता कर लिए। कंचा है भाई, छोटे मोटे चीज थोड़ी ना है। नमन, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? हाँ, वो कॉलेज गए थे, याद है ना, कॉलेज गए थे तो वहां सिक्योरिटी गार्ड था, तो उसके पास जो रजिस्टर बुक रखा हुआ था हम देखे उसको उसमें लिखते हुए, तो हम गए पूछे उससे। पहले तो नौटंकी कर रहा था, लेकिन थोड़ा पैसा दिए तो बता दिए, तो वही हमने देखा कि तारा लिखा हुआ था। अगर ये तस्वीर सचमुच तारा के बचपन की है और दिव्या ने राक्षस कील का वो दूसरा हिस्सा इसे ही दिया था, तो फिर तरल कागज तारा के बचपन की तस्वीर क्यों दिखा रहा है? आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है?